click the bell icon to get latest videos from Ikeda. So, दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चार सेक्शंस, जिसमें हम आज देखेंगे सेक्शन 47, 48, 49 और 50. 51 उसी के साथ में एक अटैचमेंट है, जिसमें हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, वेरिएशंस इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कॉल्स ऑन शेयर्स. तो दोस्तों अगर आज हम शुरुआत करने से पहले कुछ दो तीन चीजें डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छा होगा. उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके वोटिंग राइट से मतलब क्या होता है. उनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी दो तीन चीजें मैं बताता हूं. शेयर कैपिटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि शेयर कैपिटल आखिरकार होता क्या है. शेयर की डेफिनेशन में हम स्टॉक को भी इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, और वो पूरी शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होती है शेयर्स के अंदर. तो शेयर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स में हम डिफरेंस देख चुके हैं. उसी के साथ में वी हैव ऑलरेडी सीन द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि सेक्शन 43 सेक्शन में हमने देखा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है. अलग अलग तरीके के काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के लिए क्लासिफिकेशन जो हमने देखे हैं, उसमें सबसे पहले हमने देखा था ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. ऐसा टोटल 5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी हम देख चुके हैं. इसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन इसलिए बताया है कि क्लासिफिकेशन अगर आप समझेंगे तो आगे वोटिंग राइट्स हमको समझना बहुत इजी होगा. वोटिंग राइट समझने से मतलब ये है कि जो भी मेंबर्स है जो एक मीटिंग के अंदर बैठे हैं उन सबका कुछ ना कुछ बोलने का हक होता है. अगर हम चार लोग फैमिली मेंबर्स एक घर के अंदर बैठे होंगे और कुछ डिसीजन लिया जा रहा है कि कार खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो सभी लोगों से पूछा जाता है. अंटिल अनलेस आप माइनर हो और आप बच्चे हो तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, वरना मम्मी से भी पूछा जाएगा, पापा से पूछा जाएगा और घर के बड़ों से भी पूछा जाएगा. वही कॉन्सेप्ट है अगर एक कंपनी की मीटिंग के अंदर सभी शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं, तो उन सभी शेयर होल्डर्स को एक-एक करके हमें पूछना पड़ेगा कि हम ये रिजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, हम किसी को लाना चाहते हैं, किसी को रिमूव करना चाहते हैं, ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं. ऐसे वेरियस रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं कंपनी के अंदर, तो उसमें अलग अलग राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के. अनदर क्वेश्चन इज कि शेयर होल्डर्स के अलग अलग राइट्स क्यों होते हैं. जब सभी शेयर होल्डर्स एक जैसे हैं तो एक जैसे ही राइट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. वही मैंने आपको बताया है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक अलग राइट्स के साथ में होते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक अलग राइट्स के साथ में होते हैं. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज करें तो आपको याद आएगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में एक वर्ड है प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब कि उन लोगों को प्रेफरेंशियल राइट्स मिला हुआ है. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड का पहला राइट मिला हुआ है कि उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड हर साल मिलेगा ही मिलेगा, और वो फिक्स्ड है. चाहे अमाउंट फिक्स्ड करिए या फिर आप एक परसेंटेज फिक्स्ड करिए. उसके बाद में दूसरा जो प्रेफरेंशियल राइट उनको मिला हुआ है वो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. यानी कि ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, कंपनी हमेशा अच्छी चलनी चाहिए, पर इन केस अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है और कंपनी वाइंड अप हो रही है यानी कि बंद हो रही है, तो उस वाले सिनेरियो में जितनी भी कैपिटल आपने लोगों से ली है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा. उसे हम कहते हैं रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब भी होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट के हिसाब से जितने भी प्रेफरेंशियल होल्डर्स होंगे उनको उनका पैसा पहले मिल जाएगा. ऐसे दो प्रेफरेंशियल राइट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में जो रहते हैं. ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे आपको पता चलेगा कि राइट्स कितने अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको वोट करने का एक अलग राइट मिला हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको वोट करने का एक अलग राइट मिला हुआ है. अब इक्विटी शेयर कैपिटल अगर हम देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन में था कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है. और इक्विटी शेयर कैपिटल में भी हमने दो तरीके की इक्विटी शेयर कैपिटल समझी है, जिसमें पहला है प्लेन वनीला जिसे हम कहते हैं, यानी कि सभी को एक जैसे वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, और दूसरा है डीवीआर, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. वहां पर सभी लोगों को एक क्लास ऑफ शेयर्स को कुछ वोटिंग राइट्स कम करके उन्हें शेयर्स अलॉट किए गए हैं, मतलब कि उनके पास में सभी के सभी वोटिंग राइट्स नहीं है या फिर है तो कम है.
सो दोस्तों अब हम बात करेंगे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स विज अ वी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, यानी कि इन दोनों के वोटिंग राइट्स में डिफरेंस आखिरकार आ क्या रहा है। तो जब एक मीटिंग होगी तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है जिसमें दोनों ही, मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की एंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स की, दोनों की ही अनुमति चाहिए। अनुमति मतलब कि दोनों का परमिशन चाहिए रहेगा, या फिर दोनों का रेजोल्यूशन में पार्ट होना चाहिए, उनका फेवरेबल हा आना चाहिए। तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा वो हम अलग से समझेंगे। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि जहां पर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है, और तीसरा सिनेरियो है जहां पर सिर्फ प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ही है, यानी कि तीनों अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। सो टू अंडरस्टैंड दी सिनेरियोस हम पहले समझेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स क्या है और प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स क्या है। आप मेरी शीट में देख सकते हैं सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स को लिख रखा है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स में सबसे पहली चीज है वो लोग अपने हर रिजोल्यूशन पे, यानी कि कंपनी के एवरी रिजोल्यूशन पे उनको वोट करने का पूरा पूरा हक है। दे हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन टेकन बाय अ कंपनी। ये तो हुई इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात, मतलब कि उनके पास में कोई भी प्रिफरेंशियल राइट नहीं है। उन्होंने अपना पैसा कंपनी के पास लगाया है, तो जितनी भी रिजोल्यूशंस पास होंगे, जितने भी मीटिंग्स होगी, उनके अंदर एक एक पॉइंट जब आएगा तो फिर उसमें ये आपको डिसाइड करने के लिए हर एक इक्विटी शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, और आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि ये उनका राइट है, ये कंपनी का राइट नहीं है। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मतलब कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोट करने का मौका देना पड़ेगा। ये तो हुई इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात। अब हम देखेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स की बात। तो जैसे कि उनको जो हक मिला हुआ है वो प्रिफरेंशियल राइट मिला हुआ है, यानी कि दो स्पेसिफिक कंडीशंस उनको दी गई है, डिविडेंड की और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या उनको भी सभी रिजोल्यूशंस पर अपना वोट देने की परमिशन हो सकती है, राइट हो सकता है? माय आंसर इज नो। सो अब लॉजिक इसके पीछे ये है कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने दो राइट्स दी हैं, तो उनके जो वोटिंग राइट्स भी होंगे वो स्पेसिफिकली उन दोनों कंडीशन से रिलेटेड होना चाहिए। सो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में उनके वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ उन्हीं रिजोल्यूशन के लिए जो रिजोल्यूशन उनके राइट्स को इम्पैक्ट करते हो, अफेक्ट करते हो, यानी कि ऐसे रिजोल्यूशन जिनसे उनका इंटरेस्ट डेवलप होता हो, इंटरेस्ट रिड्यूस होता हो, उनका नुकसान होता हो, उनका मुनाफा होता हो, कैसे भी जिस भी पोजिशन में उनके राइट्स को ऊपर नीचे किया जा रहा हो, ऐसे भी रिजोल्यूशंस में प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स की आपको परमिशन राइट्स चाहिए ही रहेंगे, उनकी वोटिंग्स आपको चाहिए रहेगी। सो फर्स्ट चीज जो है जहां पर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट है वो वैसे रिजोल्यूशन जो उनके राइट्स को अफेक्ट करते हो। दूसरी ऐसी कंडीशन जहां पर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया है वोट करने का, वो है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि जब कंपनी बंद होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है, तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट से, वोटिंग से काम नहीं चलेगा। आपको प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि सभी शेयर होल्डर्स का आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। सो सेकंड कंडीशन इज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। नाउ थर्ड सिचुएशन जहां पर प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को परमिशन दी गई है वोट करने की, वो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि जैसे कि हमने देखा था कि जब वाइंड अप होता है, पैसा बांटा जाता है, यानी कि पैसा जो शेयर होल्डर्स ने लगाया है वो वापस से उनको दिया जा रहा है, तो उस वाली सिचुएशन में प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने की परमिशन दी गई है। सो जैसे कि उनको दो चीजों का राइट मिला था, वैसे ही इनको तीन चीजों का यहां पर रिजोल्यूशन पर वोट करने का राइट मिला हुआ है। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, पहले चीज जो यहां पर इनको राइट मिला गया है वो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे, दूसरा उनको दिया है वाइंडिंग अप के टाइम पे, और तीसरा हर ऐसा रिजोल्यूशन जो इनके राइट्स को अट्रैक्ट कर रहा हो, खत्म कर रहा हो, कम ज्यादा कर रहा हो, ये तीन सिचुएशन प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में देखी जाएगी। सो हमने समझा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हर रिजोल्यूशन में वोट कर सकते हैं जो भी कंपनी पास करने वाली है, और प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स तीन सिचुएशन में वोट कर सकते हैं। सो दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसमें यह है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स भी हर किसी रिजोल्यूशन पर वोट करने की ताकत रख सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशन होगी वो मैं आपको बताता हूं। अगर कंपनी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को दो साल तक कंटिन्यूसली डिविडेंड पे नहीं करती है, तो उस वाले सिचुएशन में यह होगा कि सभी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर जैसे हर रिजोल्यूशन पर वोट कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन बच्चों ये है कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को यह बोला गया था कि हम
आपको हर साल बतौर एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको हम पेमेंट करेंगे, आपको रिटर्न मिलता जाएगा। जब उनको दो साल से हमने वो डिविडेंड पे नहीं किया है, वो रिटर्न उनको नहीं दिया है, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि अब बस बहुत हुआ, अब दो साल तक आपने हमको पैसा नहीं दिया है, तो हम भी हर इक्विटी शेयर होल्डर जैसे, हर नॉर्मल शेयर होल्डर जैसे हर रिजोल्यूशन पे वोट करेंगे। इसके पीछे लॉजिक यह है कि कंपनी की सिचुएशन पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो डिविडेंड नहीं दे पा रही है या फिर कोई दाल में काला है, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि आप रुकिए, अब आप जो भी डिसीजन पास करेंगे कंपनी के बिहाफ पे उसका पार्ट हम भी बनना चाहेंगे, तभी जाके ये बात सही होगी। सो द सिचुएशन इफ 2 years द कंपनी हैज नॉट पेड एनी डिविडेंड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स, देन प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स विल वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन व्हिच कंपनी हैज टेकन सेम एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये तीन चीजें हमने पढ़ी, आप मेरी शीट में फर्स्ट ब्लॉक में देख सकते हैं, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज प्रोपोर्शन, यानी कि ये प्रोविजन, ये एक्ट, ये सेक्शन बात करता है कि प्रोपोर्शन में आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, किस प्रोपोर्शन में मिलेंगे वो हम समझते हैं। प्रोपोर्शन से पहले आप ये समझिए कि उतने रेशियो में मिलेगा, मतलब कि जितने शेयर्स आप होल्ड करते हैं उतना ही शेयर्स के अगेंस्ट आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। सर एग्जांपल दीजिए, अगर इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो एक शेयर होल्डर है चैतन्य, वो किसी कंपनी का 10% होल्ड करता है शेयर्स, तो मेरे पास वोटिंग राइट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि मैं 10% होल्ड करता हूं तो मैं 10% ही वोटिंग राइट मेरे पास में होगा, 20% नहीं होगा। मतलब 1:1 का रेशियो यहां पर बैठेगा, जितने आप शेयर्स होल्ड करते हैं इन प्रोपोर्शन टू द फुल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी उतना ही आपको वोटिंग राइट्स वहां पर मिलेगा। यही पॉइंट हमने इंग्लिश में वहां पर लिख रखा है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं, दैट अ शेयर होल्डर्स उसके पास में 1:1 के रेशियो में, मींस द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी के रेशियो में उसके पास में उतना वोटिंग राइट्स अवेलेबल रहेगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक सिनेरियो ये भी हो सकता है जहां पर एक कंपनी के रिजोल्यूशन में दोनों ही अवेलेबल हो, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर भी और प्रिफरेंस शेयर होल्डर भी। उस वाले सिनेरियो में क्या होगा? उस वाले सिनेरियो में अगर हम देखें तो दोनों ही वहां पर अवेलेबल है, तो अगर एक कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी है और प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स भी है तो उन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो वही रेशियो रहेगा जो टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी में उनका रेशियो है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी समझाऊंगा, जो शीट में आपको एग्जांपल दिख रहा है। मींस एक कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में से जितना इक्विटी शेयर कैपिटल है और जितना प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है उन दोनों का जो रेशियो है उसी रेशियो में वहां पर वोटिंग राइट्स को डिसाइड किया जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में एक कंपनी है जिसका टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है ₹150, बहुत कम है पर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। 150 का टोटल पेड अप कैपिटल में से इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹100 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹50। अब यहां पर वोट हो रहा है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के ऊपर, यानी कि कंपनी बंद होने वाली है, तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी राइट है वाइंडिंग अप के केस में, तो वाइंडिंग अप के केस में दोनों ही वहां पर अवेलेबल है। अब देखिए वहां पर सिचुएशन क्या होती है। सो अब जब वहां पर रिजोल्यूशन के लिए सभी को बिठाया गया और वहां पर बोला गया कि सभी अपने अपने वोट्स दीजिए, तो वहां पर क्या हुआ देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 100 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 50, यानी कि 100:50 का रेशियो बैठा, जिसे हम और तरीके से बोले तो वो 2:1 का रेशियो है। सो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड 1 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आउट ऑफ 3। ये सिंपल मैथमेटिक्स से आपको समझाने की जरूरत नहीं है, 2:1 का रेशियो वहां पर बैठा है। अब उस रिजोल्यूशन के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर्स जितने भी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स उन सभी ने हा नहीं किया, किसी ने ना किया और किसी ने हा किया, यानी कि 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अगेंस्ट में वोट किया, यानी कि वो नहीं चाहते कि वाइंड अप कंपनी हो जाए, तो 90% अगेंस्ट में गए एंड 10% फेवर में गए। ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि 50 के अमाउंट में रहते हैं, उन सभी के सभी लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने हाँ किया, यानी कि 100% फेवर में वोट गया। अब इस सिचुएशन में अगर हमको टोटल फेवरेबल एंड टोटल अगेंस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? वही मैंने आपको समझाया है कि जितना इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के रेशियो में है, वही रेशियो यहां पर यूज किया जाएगा। वो रेशियो हमारे एग्जांपल में 2:1 का रेशियो। अब जब 90% इक्विटी शेयर होल्डर अगेंस्ट में गए तो वो कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स है, और इक्विटी शेयर होल्डर का रेशियो कितना है? 2:3 का, 2:1 का रेशियो था, सो 2/3। नाउ 2:3 के रेशियो में जब इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 90% में अगेंस्ट में गए हैं तो 90% का 2/3 होगा, विच इज 60%।
तो 60% अगेंस्ट में चले गए हैं। अब 10% की अगर हम बात करेंगे जो फेवर में गए हैं, तो अगेन इक्विटी शेयर होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं तो उनका रेशियो है 2/3 का। सो 10% का 2/3 दैट इज 6.67%। तो ये दूसरा सिचुएशन हुआ, मींस अगेंस्ट में गए 60%, फेवर में गए 6.67%। अब प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि 100% ही फेवर में गए हैं, तो उनका रेशियो कितना है 1/3 का, 2/3 इक्विटी का है, प्रिफरेंस का 1/3 है। सो 100% का 1/3 अगर हम देखेंगे तो वो होता है 33.33%। अब हम इसका टोटल पूरा करेंगे, सो 60% तो अगेंस्ट में गए हैं और फेवर में गए हैं 6.67% प्लस 33.33% यानी कि 40%। सो 60% लोग बोल रहे हैं कि वाइंड अप नहीं होगा, 40% लोग बोल रहे हैं कि वाइंड अप होगा। तो इस वाले सिचुएशन में रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, क्योंकि वाइंड अप का रिजोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है SR, वो यहां पर नहीं मिल रहा है। और SR का मतलब होता है कि एटलीस्ट 75% लोग हां करने चाहिए। अगर SR नहीं भी होता तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता, और वो भी इस वाले सिचुएशन में नहीं हो पाता क्योंकि ओनली 40% ही फेवर में है। तो ये एग्जांपल हमने समझा, जहां से हमको समझ में आया कि एक ही मीटिंग में जब दोनों तरीके के शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं तो उन दोनों के राइट्स को हम उसी रेशियो में लेंगे जिस रेशियो में उन वो होल्ड करते हैं इन द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जितना इक्विटी है जितना प्रेफरेंस है 2:1 ऑफ द टोटल, मींस 150 ऑफ टोटल 150। ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, इसको ध्यान से समझिएगा। और ये हमने सारे पॉइंट्स यहां पर एक बार आपको बोल देता हूं जो हमने रिलेटेड टू वोटिंग राइट्स पर है। पहला था इक्विटी शेयर होल्डर्स को सभी राइट्स मिलेंगे, सभी रिजोल्यूशन पे वो बिल्कुल वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ 3 सिचुएशन में करेंगे, पहला सिचुएशन वाइंड अप का, दूसरा सिचुएशन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, और तीसरा जो पॉइंट है जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट दिया गया है वो है एवरी रिजोल्यूशन जहां पर उनका राइट अफेक्ट हो रहा है। ऐसे 3 सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परमिशन दी गई है वोट करने की। 2 साल तक अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ है तो याद रखिए वो भी हर इक्विटी शेयर होल्डर जैसे हर रिजोल्यूशन में वोट करेंगे। नाउ अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज बहुत लिबरल होती है, प्राइवेट कंपनीज अपना ही एक MOA AA बना सकती, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखती है कि उन पर ये सेक्शन 46 फॉलो नहीं होता है तो उन पर ये सेक्शन 47 फॉलो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर वो मेमोरेंडम में लिख देगी तो ऐसा ही होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिखेगा, ये जो पूरा वोटिंग राइट का सिनेरियो हमने समझा है, ये वोटिंग राइट का सिनेरियो इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट कौन सा होता है, दैट इज 1 share 1 vote, यानी कि हर शेयर पे एक पर्सन को एक वोट मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट यहां पर यूनिवर्सल जो चलता है वो यह नहीं चलेगा। यहां पर वोट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एक क्लास है, इक्विटी शेयर होल्डर की एक क्लास है, तो दोनों को अपने अपने क्लास के हिसाब से वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। सो यूनिवर्सल फैक्ट यहां पर नहीं चलता है, यहां पर चलेगा क्लासेस के बेसिस पर, और यही वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स जब भी रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही कहना है सेक्शन 47 के हिसाब से वोटिंग राइट्स इस हिसाब से बताए गए हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर आंसर। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शंस की। तो इस सेक्शन में अमेंडमेंट आया है जो आपके पिछले अटेम्प्ट से ही यहां पर आ रहा है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। पहले सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, अभी यहां पर टोटल 2 से 3 एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूं। सो दोस्तों अगर एक्सेप्शन की हम बात करेंगे तो सबसे पहला एक्सेप्शन इस वाले केस में ये है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, यानी कि सेक्शन 188 तीनों आपको वहां पर दिखेंगे नीचे ही जो मैंने शीट में लिख रखे हैं। सेक्शन 188 जो बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से, यानी कि ऐसी पार्टीज जो डायरेक्टर्स हैं जो रिलेटेड पार्टी है, तो उस वाले रिजोल्यूशन में उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन पास होगा उसमें उनको वोट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सेक्शन 188 आपके कोर्स में नहीं है, फाइनल लेवल पर आता है, पर एक्सेप्शन में आपको ये पढ़ना होगा। सो एक्सेप्शन ये है कि वोटिंग राइट सबको दिए गए हैं, डायरेक्टर्स अगर शेयर्स होल्ड करते हैं तो उनके पास ही वोटिंग राइट्स है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर वोट नहीं कर सकते। पहली सिचुएशन ऐसी है कि दे आर रिलेटेड पार्टी टू द ट्रांजेक्शन, जो भी पार्टीज इन्वॉल्वड है ट्रांजेक्शन के अंदर वो उससे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, तो वो डायरेक्टर्स वोट नहीं कर पाएंगे। ये पहला एक्सेप्शन था, वो सबसे लास्ट मैंने लिख रखा है पर पहले आपको बताया है। सो सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। नाउ मूविंग ऑन अपवर्ड ऊपर देखेंगे तो सेकंड एक्सेप्शन जो है वो है सेक्शन 50 सबसेक्शन 2। सेक्शन 50 बात करता है
कॉल्स इन एडवांस के बारे में। ऐसा हो सकता है कि जब आपने लोगों से रुपए मंगवाए, यानी कि आपने पब्लिक को बोला कि 10 रुपए का शेयर है, आप हमको 4 रुपए दीजिए, पर किसी ऐसे पर्सन ने जो बहुत ही दयालु था, उसने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा रहता है, आप एक काम करो, मैं 5 रुपए नहीं, मैं आपको ज्यादा देता हूं, और उसने कुछ ज्यादा पैसा आपको दे दिया। मींस आपने कॉल्स इन एडवांस रिसीव किया है। तो क्वेश्चन ये है कि कॉल्स इन एडवांस के केस में वो शेयर होल्डर तो है, उसने इतने का पैसा तो दे दिया है, पर उसको उतने का वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे सेक्शन आएगा 49, 50 और 51 इसी वीडियो के एंड में, वहां पर हम समझेंगे कि उनको वोटिंग राइट्स क्यों नहीं मिलते हैं। सो वोटिंग राइट्स चलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से एंड नॉट कॉल्स ऑन एडवांस के हिसाब से। तो ये 2 एक्सेप्शन हुए। और तीसरा एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा है सेक्शन 43 बात करता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के बारे में। हमने आपको बताया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 टाइप हो सकता है, प्लेन वनीला हो सकता है और दूसरा हो सकता है DVRS, यानी कि हमने उन लोगों को शेयर्स दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं हमने कि हम आपको वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं, यानी कि वोटिंग राइट्स कम करके दे रहे हैं। तो उस वाले सिचुएशन में वो पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से शेयर्स को होल्ड तो करते हैं पर उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला है। सो दीज आर द 3 sections विच आर एक्सेप्शन टू द सेक्शन 47। पहला सेक्शन है 43 जिसमें हमने देखा है इक्विटी शेयर कैपिटल का केस रहेगा, DVRS। दूसरा देखा सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 कॉल्स इन एडवांस का एंड सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इस पूरी शीट में मैंने आपको बताया वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी किसको है किसको नहीं है। एक हमने एग्जांपल देखा है, यूनिवर्सल फैक्टर नहीं चलता है, 1 person 1 vote, यहां पर चलेगा क्लासेस ऑन शेयर के हिसाब से, और एक्सेप्शन के 3 cases देख लिए हैं। अब अगले शीट में हम देखने वाले हैं टोटल आगे के 4 sections और, यानी कि 49, 50, 51 का एक ब्लॉक है और अगला सेक्शन है 48 जो बात करता है वेरिएशंस के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। सो बच्चों इस शीट में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हम टोटल 2 ब्लॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला ब्लॉक जो है बात करेगा सेक्शन 48 के बारे में, वो बताएगा आपको वेरिएशंस कैसे किया जा सकता है शेयर होल्डर्स राइट्स, यानी कि किसी शेयर होल्डर राइट्स को, मतलब कि किसी क्लासेस ऑफ शेयर्स को आपको वेरिएशन करना है, वेरी करना है, कुछ चेंज करना है, कम ज्यादा करना है, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सेक्शन 48 उसके बारे में बात करता है। और उसके बाद में जो सेकेंड ब्लॉक है वो है 49, 50 और 51। बहुत ही इजी से पर सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस निकल के आते हैं और वो किसी न किसी क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं, तो आप वो क्वेश्चन को स्किप भी नहीं कर पाएंगे और आपको वो अटेम्प्ट भी करना ही पड़ेगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद द सेक्शन 48 जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशंस इन शेयर होल्डर्स राइट। सर वेरिएशन की जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए जब एक ही मीटिंग के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस ऑफ शेयर्स है, या फिर हम कहें कि इक्विटी शेयर कैपिटल का एक क्लास है उसके अंदर ही 2 से 3 क्लासेस हैं, तो उस वाले सिचुएशन में क्या होगा? उस वाले सिचुएशन में ये होगा, सो कंपनी ये सोचती है कि हम किसी न किसी शेयर होल्डर्स के राइट्स को हम चेंज कर दें, हम वेरिएशन के साथ में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। तो सेक्शन 48 बोलता है कि बिल्कुल, अगर आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 48 ये बोलता है कि ये करने के लिए आपको स्पेसिफिकली एक स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कि SR पास करना पड़ेगा। और SR जैसे कि आपको पता है ये मेजोरिटी की बात होती है, मीन्स एटलीस्ट 75% तो फेवर में आपको वोट मिलना ही चाहिए। सो स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत है टू make some changes and variations in shareholders rights in any particular class of shares। अगर आप वेरिएशन लाना चाहते हैं तो आप SR पास करिए। अब क्वेश्चन है कि SR किससे पास करवाना है? तो जिस क्लास ऑफ शेयर्स की आप वेरिएशंस ला रहे हैं, राइट्स को चेंज कर रहे हैं, आपको उनका स्पेशल रिजर्वेशन लेना पड़ेगा। यानी कि हम ये पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वेरिएशन विद कंसेंट, यानी कि हमने आपको बोला है कि हम ये वेरिएशंस कर रहे हैं, आपके राइट्स को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो आप कंसेंट दीजिए। तो वो शेयर ऑफ क्लासेस के लोग वो बोलेंगे कि ओके हम आपको कंसेंट देते हैं और स्पेशल रिजोल्यूशन आप ले लीजिए उन लोगों से। स्पेशल रिजोल्यूशन आप उन लोगों से तो ले ही रहे हैं जिनका वेरिएशन हो रहा है, उस क्लास ऑफ शेयर्स का वेरिएशन इन राइट्स हो रहा है। पर अगर ऐसा भी हो सकता है कि उन क्लासेस ऑफ शेयर्स का जो एक क्लास है उसके वेरिएशन करने से दूसरी क्लास ऑफ शेयर्स का भी राइट्स को डिस्टर्ब हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उन्हीं का ऐसा नहीं लेना पड़ेगा जिनके राइट्स को आप वेरिएशन ला रहे हैं, बट आपको उनका भी करना पड़ेगा दूसरी क्लास ऑफ शेयर्स जिनमें एक में चेंज करने से दूसरे में भी अफेक्ट आ रहा है और चेंज हो रहा है।
सो ये मैंने आपको बताया कि स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत है, सिर्फ उसी क्लास की नहीं जिस क्लास के आप राइट्स को वेरी कर रहे हैं, बट उनको भी जिनके दूसरी क्लास ऑफ शेयर्स अफेक्ट हो रहे हैं और उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ये हुई स्पेशल रिजोल्यूशन की बात में। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि वेरिएशन लाने के लिए शेयर होल्डर्स राइट में आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन या फिर अथॉरिटी चाहिए। मींस आपका आर्टिकल ये बोलना चाहिए कि यस यू कैन मेक वेरिएशंस इन द शेयर होल्डर्स राइट्स, ऐसा आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए, दूसरी कंडीशन हुई। पर ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल ऑथराइज नहीं करते हो, तो उस वाले सिचुएशन में ये होना चाहिए कि ओके आर्टिकल तो ऑथराइज नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब वो शेयर्स हमने इश्यू करे थे तो उनकी गाइडलाइन में ऐसा लिखा हुआ था कि हम वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप पहला पॉइंट अगर देखेंगे शीट में तो हमने देख लिया है कि स्पेशल रिजोल्यूशन, दूसरा आप देखेंगे एमओए ऑथराइज करना चाहिए, तीसरा हम देख रहे हैं कि एमओए अगर ऑथराइज नहीं कर रहे हैं तो उस वाले सिचुएशन में लैंग्वेज देखिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ वेरिएशन टेक्स प्लेस एंड एमओएनएए ऑथराइज नहीं कर रहे हैं देन यू शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर्स। यानी कि जो शेयर्स हमने तब इश्यू करे तो उसके टर्म्स में ही ऐसा लिखा हो कि फ्यूचर में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं हो सकते तो फिर आप नहीं कर सकते, अगर मेमोरेंडम बोल रहा है तो भी आप नहीं कर सकते हो। ये तीन कंडीशन देखी है। चौथी कंडीशन मैंने आपको बताई दी है कि इफ variations in one class of shares affects other class of shares rights, then you have to take SR from that class also. ये बात हुई चार सिचुएशन जहां पर आप कंसेंट के साथ में variations in shareholders rights करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सभी के सभी हाँ कर दे जरूरी नहीं है ना, मतलब कि इसका ये हुआ कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास आप नहीं कर पाए। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है 75% एंड 25%। तो आप जब 75% गैदर नहीं कर पाए, फेवरेबल आप हाँ नहीं ले पाए लोगों से, तो उस वाले सिचुएशन में क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाँ नहीं करी है तो उनको हम कहते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, यानी कि जो रूठ गए हैं, जो मना कर रहे हैं कि हम आपको ये नहीं करने देंगे, वी आर against you, तो उन्हें हम कहते हैं dissenting shareholders। अब ये जो dissenting shareholders है, तो ये समझने के लिए heading मैंने दिया है क्या variation without consent, यानी कि जब consent आपको नहीं मिली है, special resolution pass नहीं हुआ है, मतलब कि dissenting shareholders है, तो ये dissenting shareholders क्या कर सकते हैं, ये जा सकते हैं बाप के पास में, जो बाप है हमारा NCLT, यानी कि जिन्हें हम tribunal कहते हैं, तो वो tribunal के पास में जा सकते हैं और tribunal को वो बोल सकते हैं कि देखिए हमने ये resolution के लिए हाँ नहीं करी है और ये resolution pass नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसके अगेंस्ट है। पर क्या एक दो लोग ना करें और डिसेंटिंग रहे तो जा सकते हैं कि कुछ मेजोरिटी चाहिए रहेगी। एक्ट बोलता है कि मिनिमम 10% ऑफ टोटल शेयर्स होना चाहिए जो डिसेंट कर रहे हैं। मींस अगर 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो कम से कम 10 लोग अगर मना करेंगे तो ही आप जा पाएंगे। देखिए 10 से 25 का एक क्राइटेरिया बनेगा, ब्लॉक बनेगा, क्यों? अगर 25 के ऊपर गए तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं। स्पेशल रिजोल्यूशन पास इस वाले केस में हो गया है क्योंकि हमको 75% का हाँ हमको चाहिए था, तो इस वाले केस में क्या हुआ है कि 80 ने तो हाँ कर दिया है पर 20 ने हाँ नहीं किया है, तो बताइए क्या वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं? यस, क्यों? क्योंकि मोर देन 10 है। पर अगर इस वाले सिचुएशन में ये होता कि 90 ने हाँ किया है या 91 ने हाँ किया है और 9 लोगों ने मना किया है, तो क्या वो 9 लोग जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मिनिमम 10% तो चाहिए ही चाहिए, जितने डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होने चाहिए वो ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं। So, इस वाले केस में हमने देखा कि विदाउट कंसेंट काम हो रहा है, मतलब कि स्पेशल रिजोल्यूशन आपको मिल तो गया है पर कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स भी वहां पर अवेलेबल है, वो मोर देन 10% होना चाहिए, 25% से कम होना चाहिए, अगर 25% से भी ज्यादा हो गया तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ ही नहीं है और वेरिएशन इन एनी केस नहीं हो सकता है। सो अब बात चल रही है कि ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, तो ये शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आप हमारे राइट्स को वेरी नहीं कर सकते हैं, तो वो जाएंगे ट्रिब्यूनल के पास में, उनको विद इन 21 डेज ऑफ सच रिजोल्यूशन एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल को, यानी कि 21 डेज का उनके पास में टाइम है, वो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दे दीजिए। अब वो एप्लीकेशन देने के बाद में केस चले गए हैं ट्रिब्यूनल के पास में, यानी कि पूरी अथॉरिटी है वो ट्रिब्यूनल के पास में है, जब तक वो कंफर्मेशन नहीं देगी वेरिएशन नहीं हो सकता, यानी कि कंपनी इज बाउंड टू द आंसर ऑफ द ट्रिब्यूनल
टिल टर्मिनल गिव्स हिज आंसर तब तक वेरिएशन नहीं हो सकता है, ये फिक्स बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल के पास में बात तो चली गई है, पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि जब वो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ जाएगा तो वो आरओसी को यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में उसे 30 डेज के अंदर अंदर वो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल भी भेजना पड़ेगा कि देखिए ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है, या तो हाँ किया होगा या ना किया होगा। दोनों ही केसेस में आपको आरओसी को बोलना पड़ेगा कि हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी थी, ट्रिब्यूनल तक बात गई थी, ट्रिब्यूनल ने हाँ कर दी है या फिर ना कर दी है। ओके, ये पूरी बात हुई। विदाउट कंसेंट अगर काम चल रहा है तो क्या हो रहा है, 10% चाहिए डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के। ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए 21 डेज तक आप कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल की कंफर्मेशन मिलने के बाद ही वेरिएशन होगा, और ये ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आपको भेजना पड़ेगा आरओसी के पास में 30 डेज के अंदर अंदर। अब इनमें से कोई भी चीज फॉलो अगर नहीं होती है तो फिर पेनल्टी आएगी, और पेनल्टी के अंदर क्या होगा कि जो कंपनी है उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, 25,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग सकती है, और इस सेम पेनल्टी उन सभी ऑफिसर्स के लिए भी रहेगी जो डिफॉल्ट में थे, जिन्होंने गलती करी थी। इतना ही नहीं, उन ऑफिसर्स को इस फाइन के साथ में 6 months का इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है, मींस फाइन भी जेल भी, बोथ ऑफ देम। सो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 49 की, 50 की एंड 51 की। इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, इन तीनों ही ब्लॉक में अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों ही सेक्शंस में बात चलेगी कॉल्स ऑन शेयर्स। तो जिन लोगों को कॉल्स का मतलब नहीं पता है, पहले मैं उनको सिंपलीफाई कर देना चाहता हूं। कॉल्स मतलब होता है कि जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, तो वो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का उन्होंने एक शेयर इशू किया है, तो कंपनी मे आस्क फुल 10 रुपीज एट वंस और इन द पार्ट्स, यानी कि पहले वो 2 रुपए लेगी एप्लीकेशन के टाइम पे, फिर वो अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए और लेगी, टोटल 5 रुपए हो गया। देन कंपनी में डिसाइड टू मेक अ फर्स्ट कॉल, यानी कि वो वापस से 3 रुपए लेगी, तो 7 रुपए वो ले चुकी है, एंड एट लास्ट वो 3 रुपए का एक और कॉल कर सकती है, 2 रुपए का एक और कॉल कर सकती है। ऐसे टोटल 10 रुपए वो टुकड़ों टुकड़ों में इकट्ठा कर सकती है, या फिर एक साथ भी पूरा ले सकती है। मेजरली कंपनीज ये करती है कि वो एप्लीकेशन के साथ में कुछ अमाउंट ले लेती है, और एप्लीकेशन का हमने पढ़ भी रखा है अगर आपको याद हो, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ में मिनिमम एप्लीकेशन मनी भी आना चाहिए, वरना वो अलॉटमेंट सही नहीं होता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में पढ़ चुके हैं। वो एप्लीकेशन का जो मनी है वो है 5% मिनिमम उनको रखना ही पड़ेगा, बराबर है। और उसके अलावा अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो उस वाले केस में 25% मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। नाउ मूविंग on with our topic, इसमें हम समझने वाले हैं सेक्शन 49 बात करेगा कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में। तो 49 ये बोल रहा है कि जब कोई कंपनी कॉल्स बनाती है, कॉल भेजती है या फिर पैसे मंगवाती है, तो वो यूनिफॉर्म तरीके से सभी से उसको मंगवाना पड़ेगा। मींस अगर एक क्लास ऑफ शेयर्स की हम बात करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो अगर कंपनी कॉल प्लेस करती है तो उसको वो ऐसा नहीं कर सकती कि कंपनी के अंदर 1000 इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो 800 शेयर होल्डर्स को तो बोले कि आप एक काम करिए, आप 4 रुपए दीजिए, और 200 को बोले आप 3 रुपए दीजिए। नो, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिफॉर्मली आपको कॉल प्लेस करना पड़ेगा। कॉल्स ऑन शेयर्स शुड बी प्लेस यूनिफॉर्मली। आप कुछ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। आपको एक जैसा तरीके से सभी लोगों से पैसा मंगवाना पड़ेगा। आप किसी इंपॉर्टेंट लोगों से 10-15 लोगों को बोलो कि चलो तुम मत दो, तुम बाद में देना, और बाकी आप लोगों को बोलो कि नहीं नहीं आप हमको ज्यादा पैसे दीजिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 49 इज टेलिंग अस दैट कॉल्स ऑन शेयर्स शुड बी यूनिफॉर्मली प्लेस्ड एंड नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द क्लासेस एंड इन द क्लास ऑफ अ शेयर शुड टेक प्लेस। Now, second point जो section 49 ये बोलता है, वो ये है कि once a company has put on the call, मतलब कि जैसे ही कंपनी ने कॉल प्लेस कर दिया है, अब ये लाइबिलिटी है किसकी, members की, देने की और कंपनी लेने की। मतलब कि अब वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी ने पैसा मांग लिया है, वो अब members की लाइबिलिटी हो गई है। इट इज ड्यू ऑन द members कि उनको पैसा देना ही पड़ेगा, और कंपनी के ऊपर भी ड्यू है कि उसे लेना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं 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 हमारी लाइबिलिटी नहीं है, और members भी के लिए मना नहीं कर सकते। सो सेक्शन 49 इज प्लेन एंड सिंपल जो बात कर रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, एंड वंस मेड इट इज लायबल, बोथ द पार्टीज आर लायबल। नाउ सेक्शन 50 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं। So, दोस्तों सेक्शन 50 बात कर रहा है कॉल्स इन एडवांस के बारे में, यानी कि कॉल्स इन एडवांस वर्ड से ही हमको समझ में आ जाएगा कि हमने उतना पैसा मांगा तो नहीं है, पर उतना पैसा हमको मिल गया है, हमने कुछ एडवांस में रिसीव किया है। नाउ द क्वेश्चन इज टू वेज, यानी कि क्या मेंबर एडवांस में पैसा दे सकते हैं,
एंड अदर क्वेश्चन इज, क्या कंपनी पैसा एडवांस में ले सकती है? सो पहला आंसर ये है कि मेंबर्स क्या दे सकते हैं? यस, मेंबर की मर्जी है, अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, पर उससे रिलेटेड प्रोविजन क्या होंगे हम आपको बता देंगे। आप ये मत समझिएगा कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपके पास फंड्स रखे हैं, यू वॉन्ट टू गिव इन एडवांस, आप दीजिए, इट्स योर विल। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी क्या कॉल्स इन एडवांस को रिसीव कर सकती है? तो वहां पर प्रोविजन ये बोलता है कि इस AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बोलता है कि यस यू आर ऑथराइज्ड टू रिसीव कॉल्स इन एडवांस, तो फिर कंपनी ले सकती है, पर आर्टिकल का ऑथराइजेशन चाहिए ही होगा। अगर आर्टिकल बोलती है कि नहीं, कोई भी एडवांस आप रिसीव नहीं कर सकते, कंपनी की ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, रूल्स के अगेंस्ट है, तो कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल के बियॉन्ड नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो आपको याद है हम उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट भी कह सकते हैं, वो मेमोरेंडम के भी अगर अगेंस्ट चले जाता है तो, और वो पूरा अलॉटमेंट वॉइड होगा, पूरा एप्लीकेशन मनी रिसीव करना भी वॉइड होगा, इनफैक्ट पूरा इश्यू भी वॉइड हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सेक्शन 50 बात कर रहा है कि कॉल्स इन एडवांस अगर आपको रिसीव करना है तो आपको ऑथराइजेशन चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। अब ये जो आपने मेंबर्स ने पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है, एडवांस में दे दिया है, क्या मेंबर्स को उसको पूरा पूरा फायदा मिलेगा? सो द सिचुएशन इज कि उन्होंने अगर 2000 रुपए मांगे हैं और मेंबर ने अगर 5000 रुपए दे दिए हैं, तो अगर 2000 रुपए हमने मांगे थे, यानी कि हमने 200 शेयर्स जो 10 रुपए के हिसाब से थे, तो हमने कहा था कि 200 शेयर्स को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप एक काम करिए 10 रुपए हमको दे दीजिए एक शेयर के बदले में, बराबर। पर उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने 5000 रुपए दे दिए। अब उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस पे किए हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आपको कुछ भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा जो दिए हैं पैसा, उसके अगेंस्ट आपको वोटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कॉल्स इन एडवांस का नेचर यही होता है कि पैसा तो आ गया है पर वो एज एन एडवांस रखा गया है, उसके अगेंस्ट आपको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। तो सेक्शन 50 का इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि कॉल्स इन एडवांस के अगेंस्ट नो वोटिंग पावर इज गिवन टू दो शेयर होल्डर्स हु आर पेड इन एडवांस। नाउ मूविंग ऑन टू द परसेंटेज क्राइटेरिया। तो इस वाली सिचुएशन में मेंबर्स ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, तो क्या मेंबर्स को इंटरेस्ट मिल सकता है इस वाले सिनेरियो में? अगर आर्टिकल बोले तो, सो अगर आर्टिकल से बोलते हैं तो उनको मेंबर्स को वो इंटरेस्ट भी मिल सकता है, और मैक्सिमम 12% तक उनको इंटरेस्ट मिल सकता है, ऐसा एक्ट बोलता है। 12% से ज्यादा अगर आर्टिकल भी बोले, 15% तो उनको नहीं मिलेगा, 12% उनको रिसीव हो सकता है। किसकी बात चल रही है? उन मेंबर्स को जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस दिया है। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, परसेंटेज की बात चल रही है इसलिए मैंने पॉइंट यहां पर ही डाल दिया है कि कॉल्स इन एडवांस मतलब कि ज्यादा पैसा कंपनी ने रिसीव किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी कॉल्स इन अरियर्स में चल रही हो, यानी कि वो उतना पेमेंट नहीं कर पाई हो, या फिर उसने उतना पेमेंट लोगों ने मंगवाया था पर नहीं दिया हो। तो उस वाली सिचुएशन में क्या होगा कि कंपनी अभी तक कॉल्स इन एडवांस में तो 12% दे रही थी, पर अब कॉल्स इन अरियर्स में कंपनी ने मंगवाया है और लोगों ने पे नहीं किया है, तो अब कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा वो हो सकता है 10%, या फिर जो आर्टिकल रेट बोले वो, विच एवर इज लोअर, यानी कि मैक्सिमम 10% तक वो चीज भी जा सकती है। तो 12% हुआ एडवांस के केस में और 10% हुआ अरियर के केस में, ये ध्यान रखिएगा। हम कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहे हैं, यस आर्टिकल ऑथोराइज करे तो यस, पहला पॉइंट वोटिंग पावर नो, तीसरा पॉइंट 12%, चौथा पॉइंट अब आपको बताने वाला हूं कि वोटिंग राइट तो नहीं मिल रहे हैं, पर क्या ये पैसा अगर कोई शेयर होल्डर 10 दिन बाद उठ के आए कि दीजिए अब मैंने आपको एक्स्ट्रा रुपए दे दिए थे, आप मुझे रिफंड करिए, तो आपको बताना चाहूंगा कि एक्ट ये बोलता है कि दैट मनी इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि एक शेयर होल्डर को वो जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा दिया है वो नहीं मिलेगा। अब वो डायरेक्टली कब मिलेगा? जब कंपनी वाइंड अप होगी या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, उस सिचुएशन में ही उन लोगों को वो उनका कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलेगा। या तो जब तक वाइंड अप नहीं होती, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता, या फिर किसी कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता, तब तक वो पैसा उन लोगों को नहीं मिलेगा। सो द सिचुएशन इज that is non-refundable only in the case of winding up and that too before paying to the creditors, आपको नहीं मिलेगा, सभी creditors को pay करने के बाद में वो पैसा मिलेगा। हाँ, preferential holders जितने भी हैं उनको payment करने के पहले आपको मिल सकता है, but creditors को payment करने के बाद में winding up के case में आपको वो पैसा मिलेगा। till then that is non-refundable।
So, दोस्तों अब अगला सेक्शन जो है सेक्शन 51 है। पहले हमने 49 में देख लिया कि कॉल्स एंड शेयर्स का यूनिफॉर्म तरीके से हमको देखना है, डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ में हमने देख लिया कि लायबिलिटी होगी दोनों ही पार्टीज की। सेक्शन 50 हमने कॉल्स एंड एडवांस रिलेटेड सारे चीजें देख ली है, पर उसमें एक पॉइंट जो बचा हुआ था वो ये है, कॉल्स एंड एडवांस को अगर हम देखें तो दे सकते हैं, आर्टिकल का ऑथराइजेशन चाहिए। हाँ, आपको कॉल्स एंड एडवांस अगर आप दे रहे हैं तो वोटिंग पावर्स आपको नहीं मिलेगी, बराबर है। 12% का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी हमको पता चल गया है। तो फिर फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि सेक्शन 51 ये बोलता है कि आपको प्रोपोर्शनेट डिविडेंड जरूर मिल सकता है। मतलब कि अगर कंपनी का आर्टिकल ऑथराइज करे तो एक कंपनी जितने भी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस का पेमेंट किया है उनको प्रोपोर्शनेट डिविडेंड भी उतने ज्यादा पैसे का मिल जाएगा। मींस अगर कोई बंदा 200 शेयर्स होल्ड करता हो और उन्होंने अगर 300 का पैसा दिया हो तो उनको वो 100 शेयर्स ऊपर प्रोपोर्शनल डिविडेंड भी ज्यादा मिल सकता है, बट द कंडीशन इज कि आर्टिकल वो ऑथराइज करना चाहिए। जनरली ग्राउंड रूल तो ये है, बेसिक रूल तो ये है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो वो पेड अप शेयर कैपिटल के हिसाब से ही देती है, यानी कि जितना हमने मंगवाया था तो उतना हमने कॉल किया और उतना पैसा हमारे पास में आ गया, तो पेड अप शेयर कैपिटल पे ही डिविडेंड को पे किया जाता है। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बोलता है कि यस यू कैन पे इट ऑन द बेसिस ऑफ कॉल्स ऑन एडवांस ऑल्सो, तो फिर प्रोपोर्शनल डिविडेंड उतना आपको मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 51 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ आर्टिकल ऑथराइजेस देन ओनली, दूसरे केस में ऐसा नहीं होगा। अब एक एग्जांपल या फिर केस स्टडी बोलिए तो हम आपको बता सकते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक एग्जांपल में एक पर्सन है सीजे, उस सीजे ने कंपनी के शेयर्स को अलॉट किया, बराबर है, उसने सब्सक्राइब किया और कंपनी ने उसे अलॉट किया। कितने शेयर्स? 500 शेयर्स को उसे अलॉट किया गया। कंपनी ने बोला कि 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब कि टोटल 5000 रुपीज का पैसा आपको देना पड़ेगा इन द टोटल लाइफ टाइम। ध्यान से सुनिएगा, लाइफ टाइम के अंदर 10 रुपए का पूरा शेयर है और 500 शेयर आपने लिए तो 5000 रुपए हम आपसे लेंगे। कंपनी ने उसके साथ में बोला कि अभी के लिए हमको 5000 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आप 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी दे दीजिए, यानी कि 500 × 2 ओनली 1000 रुपीज वर आस्क्ड फ्रॉम द मिस्टर सीजे। उनसे सिर्फ 1000 रुपए मांगे गए थे 500 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से। पर सीजे ने क्या करा कि बाय मिस्टेक 1000 की जगह उसने पूरे 5000 ही पेमेंट कर दिया, यानी कि बाय मिस्टेक उसने ज्यादा पैसा दे दिया। अब नाउ द सिचुएशन इज कि मिस्टर सीजे को बाद में पता चला कि मैंने गलती से ज्यादा पैसा दे दिया है, तो वो रिफंड लेने के लिए आ गया, पर कंपनी ने बोला कि नहीं, हम आपको रिफंड नहीं देंगे क्योंकि ये रिफंडेबल अमाउंट होता ही नहीं है, ये तो कॉल्स इन एडवांस होगा। अब इस केस स्टडी के अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहली चीज, जितना पैसा मांगा गया था उतना नहीं दिया, क्यों? जानबूझ के नहीं बल्कि गलती से। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर बाय मिस्टेक उसने वो पैसा दे दिया। दूसरी चीज, कॉल्स इन एडवांस किसे कहा जाता है? कॉल्स इन एडवांस उसे कहा जाता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो और वो ज्यादा पैसा आपको दे दे तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इस वाले सिचुएशन में मिस्टर सीजे तो अभी एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, वो कोई एग्जिस्टिंग मेंबर तो है नहीं, उनका रजिस्टर में नाम भी नहीं है, तो ये जो अमाउंट है ये एक एडवांस मनी है सिर्फ, इसे हम कॉल्स इन एडवांस नाम नहीं दे सकते। इसलिए कंपनी जो बोल रही कि रिफंडेबल नहीं है वो यहां पर इसलिए गलत होगा कि वो अमाउंट ही कॉल्स इन एडवांस नहीं है, वो तो नॉर्मल एडवांस मनी है, बिकॉज मिस्टर सीजे इज नॉट अ मेंबर और कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट सिर्फ वहीं लगता है जहां पर पर्सन इज अ मेंबर और वो एडवांस में पैसा ऑलरेडी दे चुका हो, उसका रजिस्टर में नाम हो एज अ मेंबर। सो इसका आंसर ये होगा कि कंपनी इज बाउंड टू रिफंड द अमाउंट टू मिस्टर सीजे और सीजे वो रिफंड बिल्कुल ले सकते हैं। इससे आपको समझ में आया होगा कि कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं, ज्यादा फोकस इस बात पे किया गया है। सो अगर इस पूरे वीडियो को हम समराइज करने की कोशिश करें तो सेक्शन 47 में हमने ये देखा था कि वोटिंग राइट्स कैसे होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के केस में सभी रिजोल्यूशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सिर्फ वो रिजोल्यूशन जिसमें उनका राइट्स अफेक्ट हो रहा हो, वाइंडिंग अप या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। 2 साल तक अगर डिविडेंड नहीं मिला है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हर रिजोल्यूशन वोट कर सकते हैं, ये उनका राइट है। कुछ प्राइवेट कंपनीज जो अपने एमओए के अंदर आर्टिकल के अंदर ये लिख रही हैं कि सेक्शन 47 एप्लीकेबल हम पे नहीं है, उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जांपल के थ्रू हमने इस बात को समझा था, हमने ये भी समझा था कि यूनिवर्सल फैक्ट यहां पर नहीं चलता है, क्लासेस के हिसाब से वोटिंग राइट्स अलॉट किए गए हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि 3 एक्सेप्शन आए हैं 47 सेक्शन को, या फिर हम ऐसा कहें 47 इज द एक्सेप्शन टू दीस 3 केसेस। पहला है कि सबसे पहले सेक्शन 43 में हमने देखा था डीवीआरएस डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, सेक्शन 50 जो कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करता है, एंड सेक्शन 188 जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। फिर हमने सेक्शन 48 को डिस्कस किया था
अगर आपको वेरिएशंस करना है तो आपको एसआर की जरूरत पड़ेगी, आपको आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन चाहिए, अगर वो नहीं है तो इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और इतना ही नहीं, अगर वो वेरिएशंस आप कर रहे हैं और वो दूसरी क्लास ऑफ शेयर्स को अफेक्ट कर रहा है तो आप उनसे भी स्पेशल रिजोल्यूशन लेके आई है। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है वो 10% मिनिमम होना चाहिए, वो लोग सभी मिलकर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं 21 डेज के अंदर। अगर वो आगे बात जाती है ट्रिब्यूनल उसको कंफर्म करेगी तो ही वेरिएशन हो पाएंगे, तब तक नहीं हो पाएंगे। आपको वो ट्रिब्यूनल का जो रिपोर्ट है, ऑर्डर का जो रिपोर्ट है, वो आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर देना है। ये बात हमने समझ ली थी और पेनल्टी वहां पर हमने देखी थी 49, 50, 51 कॉल्स ऑन शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं एंड प्रोपोर्शनल डिविडेंड जो हम पे कर सकते हैं। इन सभी सिचुएशन में आर्टिकल का ऑथराइजेशन हमको चाहिए रहेगा। एडवांस वालों को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं पर डिविडेंड जरूर मिल सकते हैं और वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, ये हमने समझ लिया है एग्जांपल के थ्रू। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको ये चारों सेक्शंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनफैक्ट चार नहीं 5 सेक्शंस है। तो आपको अगर ये अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ई किरा चैनल को, पढ़िए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।